बसमिल रिम जी ओ स्टूडेंट अलैक्म टुडे वी स्टडी थर्ड लेक्चर ऑफ वीक सेवन व्हिच इज़ अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड टॉपिक इंक्लूड इन दिस लेक्चर्स आर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर ऑन पेज नंबर 173 174 175 176 177 एंड वन ऑन योर टेक्सट बुक बेसिकली ये जो आपका लेक्चर है ये सारा का सारा हाइब्रिडाइजेशन से है और मैंने कोशिश की है कि तमाम जो कोर्स है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड इसको इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो क्वेश्चन इनमें इंक्लूड हैं आपने इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और फिर इनको अपने शीट पे लिखना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि हमने ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया इसकी क्या इंपॉर्टेंस है So we face the problem of explaining equivalent tetravalency of carbon and the bond angle in H2O and NH3 molecule. In order to explain the formation of bond and shape of the geometry of molecule the idea of hybridization has been introduced. बेसिकली कार्बन जो है वो फोर बॉन्ड बनाता है और सी एच फोर में आपको पता है कि चारों कार्बन के बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो इस चीज़ को ना तो वेस्पर एक्सप्लेन कर रही थी वेलस शेल इलेक्ट्रॉन वैलस इलेक्ट्रॉन शेल्ड पेयर थ्योरी और इसी तरीके से वीबीटी ये दोनों थ्योरीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी तो इसलिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का कन्सेप्ट दिया था और नंबर टू वाटर और अमोनिया के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं इस चीज़ को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी तो हमने हाइब्रिडाइजेशन का कन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया अब वट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी डेफिनेशन कि अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरिंग स्लाइटली इन एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल विच आर कॉल्ड हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल दे डिफर फ्राम द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इन शेप एंड पोजेस स्पेसिफिक जुमेट्री बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं इनकी शेप भी डिफरेंट होती है इनकी इनर्जी भी डिफरेंट होती है तो ये जो सी एच फोर का केस है अगर आप इसमें देखें तो कार्बन के लास्ट सेल में फोर इलेक्ट्रॉन हैं और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं टू एस टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जी में तो अब कैसे पॉसिबल है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन करते हैं तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन ने यह कहा था कि सबसे पहले क्या होता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जो एक दूसरे से जिनकी शेप भी डिफरेंट होती है और इनर्जी भी डिफरेंट होती है सबसे पहले ये इंटरमिक्स होते हैं और इनकी मिकसिंग से क्या होता है न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इन तमाम की शेप और इनर्जी सेम होती है तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं

ठीक है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल अगर लैब करेंगे उतने ही न्यू हाइब्रिडाइज हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो आप देखें एक एस और तीन पी यानी टोटल फोर हैं तो फोर जब ये ऑर्बिटल अगर लैब करते हैं तो इनके मिलने से फोर इक्विलेंट एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सी एच फोर अमोनिया एंड वाटर बाई अंडरस्टैंडिंग द एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये जो चार तीन मालिक्यूल हैं सी एच फोर अमोनिया और वाटर इनके अंदर एस पी थ्री होती है तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि इनके अंदर एस पी थ्री कैसे होती है सबसे पहले हम बात करते हैं मीथेन की सी एच फोर तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन आइटम शुड बी कीप इन माइंड अंडरस्टैंडिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन देखेंगे तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन क्या होती है वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स वन एंड टू पी वाई वन जबकि टू पी जी में जीरो इलेक्ट्रॉन होता है तो जब हम इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं तो ये क्या करता है एस में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है टू पी जी में तो इसकी एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फर्गेशन होती है वो होती है वन एस टू टू एस वन टू पी एक्स वन टू पी वाई वन और टू पी जी वन अब इसके ये जो लास्ट फोर ऑर्बिटल हैं टू एस टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जी इन चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो जब ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं तो इनके मिलने से फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं एस पी थ्री वन एस पी थ्री वन एस पी थ्री वन एंड एस पी थ्री वन अब ये एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं कि फोर हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं और इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड फार्मेशन होती है The ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर लोअर देन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉलोइंग डायग्राम फिगर figure 6.10. अगर आप ये फिगर 6.10 देखें तो इसमें एस ऑर्बिटल 2px, 2py और 2pz. तीनों ऑर्बिटल उसने बताए हुए हैं अगर आप इन ऑर्बिटल को देखें तो इनकी शेप और एनर्जी एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है शोज हाउ आउटर मोस्ट फोर of ऑफ कार्बन मिक्सअप टू give फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल energy एंड शेप हेंस The four new hybrid orbitals of equal energy have a tetrahedral geometry with carbon at the center.

Smaller. For the sake of simplicity, the small lobe is usually not shown while the represented sp3 hybrid orbitals. The hybrid orbitals are oriented in space in such a way that the angle between them is 109.5, as shown in the figure 6.11a. Methane molecule is formed by the overlap of sp3 hybrid orbitals of carbon with 1s orbitals of 4 hydrogen atoms separately to form 4 sigma bond. The molecule thus formed possess a tetrahedral geometry and the 4 carbon hydrogen bond which result from sp3s overlap are directed toward the corner of regular tetrahedron. There are six bond angle in ईच वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री एंड द टेट्रा हेडल स्ट्रक्चर ऑफ सी एच फोर हैज फोर फेसीज फोर कार्नर एंड सिक्स एचिज तो बेसिकली ये सारा कुछ एस पी थ्री हाइब्रोडाइजेशन में ये जो एग्जाम्पल हमने देखी है सी एच फोर इसके बारे में है कि कार्बन के लास्ट सेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब इनमें ये चार तीन चारों ऑर्बिटल एक एस और तीन पी आर्बिटल ओवरलैप करते हैं इंटरमिक्स होते हैं तो फोर एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और ये फोर एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल ईच एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के वन एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और इस तरीके से चार सिगमा बॉन्ड बनते हैं तो बेसिकली सी एच फोर की स्ट्रक्चर को वी पी टी और वेस्पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी लेकिन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने इसको एक्सप्लेन किया नंबर टू अमोनिया सिमिलरली अमोनिया के केस में सबसे पहले हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफ्रिगेशन देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफ्रगेशन होती है 2s2, एस टू टू पी एंड टू पी अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाना क्योंकि अमोनिया में देखें अमोनिया में क्या होता है एन इसको तीन अनपेड ऑर्बिटल चाहिए टू बॉन्ड विथ थ्री हाइड्रोजन तो ऑलरेडी टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जी में एक एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन याद रखें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आउटर ऑर्बिटल सारे इंक्लूड होते हैं तो टू एस पी जो है वो हाइब्रोडाइज फैक्टराइजेशन में शामिल होता है ये 2s, 2px, 2py और 2pz जब ये चारों आपस में अगर करेंगे तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक sp3 जो होगा उसमें टू इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेड होगा वो फर्दर बॉन्डिंग में शामिल नहीं होगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर यहाँ पे, पे मौजूद रहेगा तो अगर आप अमोनिया के स्ट्रक्चर देखें तो अमोनिया के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला आ, आपको एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल नज़र आ रहा है ये इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ फर्दर बॉन्डिंग नहीं करता लेकिन बाकी जो एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और इस ओवरलैपिंग से क्या होता है कि यहाँ पर बॉन्ड फार्मेशन होती है और ये तीनों जो होते हैं वो तीन सिगमा बॉन्ड फार्मेशन करते हैं अब यहां पे जो एंगल होता है वो 109 से डिक्रीज होकर कितना हो जाता है 107.5 अब इसकी रीज़न क्या है दिस इज़ बिकॉज द रिपलजन बिटवीन द लॉन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लॉन पेयर आ जाता है और लॉन्ड पेयर जब भी आएगा तो हमने वेस्पर थ्योरी के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि लॉन्न पेयर और बॉन्ड पेयर के दरिया रिपल्जन ज़्यादा होती है अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो रिपल्जन कम है तो एंगल मैक्सिमम होगा जब एक लॉन पेयर आ जाएगा तो उससे क्या होगा रिपलजन इंक्रीज़ हो जाएगी एज अ रिजल्ट उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पे फिर जो एंगल होगा वो होगा वन जीरो सेवन पॉइंट फाइव थर्ड वाटर वाटर के केस में भी सबसे पहले हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रगेशन देखेंगे तो इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रगेशन होगी 1s2, 2s2, 2p x2, 2p y1 एंड 2p z1। अब इस केस में 2p y और 2p z सिर्फ अनपेड हैं यानी उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है 2s और 2p x जो होते हैं वो दोनों पेयड होते हैं बट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये इंक्लूड होंगे लेकिन बॉन्ड फार्मेशन में ये शामिल नहीं होंगे बॉन्ड फार्मेशन सिर्फ लास्ट वाले एस पी थ्री जो अनपेड हैं वो बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा लेंगे एज अ रिजल्ट यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और दो जो एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर रहेंगे तो अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर को देखें तो वाटर की स्ट्रक्चर में क्या है कि ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ उसने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की है और बाकी जो होंगे यहाँ पे दो लॉन पेयर होंगे तो इस केस में आप मजीद आप अगर आप देखें तो एंगल वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव के बजाय कितना है वन जीरो फोर पॉइंट फाइव यानी ये पहले वाले अमोनिया के केस की तरह इसमें एंगल और ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है तो इसकी क्या रीज़न है क्योंकि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें दो लॉन पेयर मौजूद हैं जब दो लॉन पेयर आए हैं तो यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ रिपल्जन भी आ गई है यानी इसमें लोन पे लोन पे रिपल्जन भी आ गई है जिसकी वजह से एंगल फर्दर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट जो टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्या होती है कि इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इंटरमिक्स थ्री ऑर्बिटल कॉल्ड एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल अब एस पी टू केस में क्या होगा एक एस और दो पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और उनके इंटरमिक्सिंग से तीन एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इसकी एग्जाम्पल में सबसे पहले है ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड एंड इथीन सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की बी एफ थ्री की इसमें भी सबसे पहले हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कंफ्रिगेशन देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफ्रिगेशन होती है वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स वन टू पी वाई वन एंड टू पी जी वन अब क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टू एस से टू पी वाई के अंदर तो इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी टू एस वन टू पी एक्स वन एंड टू पी वाई वन अब अगर आप देखें तो टू पी जी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अगर किसी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा नहीं लेता वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ इसका 2s, 2px टू पी एक्स और टू पी ये तीन ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एस पी टू एस पी टू एस पी टू अब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ये तीनों फ्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्डिंग करेंगे और तीन सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन करेंगे अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि इन तीनों के मिलने से तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे s, 2px और 2py के मिलने से और फिर क्या होगा कि इनकी मिलने से बेसिकली यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ये फ्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे इसके साथ अटैचमेंट शो करेंगे तो ये तीन सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन करेंगे और यहाँ पे जो इसकी शेप होगी वो बेसिकली ट्राइंगर शेप होगी और यहाँ पर जो एंगल होगा वो ऑलमोस्ट वन डिग्री का होगा नंबर टू इथीन इथीन अगेन कार्बन है तो सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन देखते हैं तो हमने इससे पहले भी बात की थी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन क्या होती है एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 बट यहाँ पे अगर हम इथीन के स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन ने फोर बॉन्ड बनाए हैं लेकिन उसमें से तीन सिग्मा है और एक पाई बाउंड है जब पाई बॉन्ड फार्मेशन होती है तो हम एक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते तो अब क्या होगा कि कार्बन अपना टू पी जी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेगा जबकि इसका टू एस टू पी एक्स और टू पी वाई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो ये तीन एस पी टू एस पी टू एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे अब इसका जो टू पी जी ऑर्बिटल होगा ये एज इट इज मौजूद रहेगा लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं होगा फिर एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो वन ट्वेंटी से लेस बनेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर ये जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये बेसिकली तीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे बट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो बेसिकली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी करेगा तो एज अ रिजल्ट इसका जो एंगल होगा वो वन ट्वेंटी से लेस होगा तो ये यहां पे आपको ये शेप नजर आ रही है कि कार्बन में तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ये जो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे एक sp2 हाइब्रिड टू हाइब्रिटल ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल से अगर करेगा तो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बनेगा सिमिलरली एक sp2 पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से अगर करेगा तो सेकेंड सिग्मा बॉन्ड बनेगा सिमिलरली थर्ड जो sp2 टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के सेकेंड हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से लैब करेगा तो थर्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा अब इसका जो टू पी वाई टू पी जी और टू पी जी ऑर्बिटल हैं वो एक कार्बन के भी इम्पटी होता है एक आर्बिटल का एक कार्बन का भी अनपेड फॉर्म में होता है और दूसरे कार्बन का भी अनपेड फॉर्म में होता है तो जब आपस में इनकी ओवरलैपिंग होगी तो इससे क्या होगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एज अ रिजल्ट हम ये कहते हैं कि इथीन के केस में क्या होता है कि तीन सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन होते हैं और एक पाई बॉन्ड फार्मेशन होती है और पाई बॉन्ड फार्मेशन किसकी वजह से होती है टू पी वाई और टू पी जी और टू पी जी आर्बिटल जो दोनों कार्बन के मौजूद होते हैं इनकी ओवरलैपिंग से तो इथीन के केस में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होती है एस पी टू एस पी टू नेक्स्ट है हमारे पास एस पी हाइब्रिडाइजेशन एस पी क्या होती है इन एस पी हाइब्रडाइजेशन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल एस पी में एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिलते हैं उनके मिलने से दो ही न्यू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जैसे कि एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड तो बेरिलियम क्लोराइड में अगर आप बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन देखें तो ये होती है वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जी ये तीनों जीरो जीरो होते हैं तो एस में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है एक्स में तो ये आ जाता है टू एस वन एंड टू पी एक्स वन अब क्योंकि टू पी वाई और टू पी जी एम्पटी हैं उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं होते जस्ट टू एस और टू पी एक्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में शामिल होते हैं और दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं एस पी एंड एस पी और ये एस पी sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और इनके ओवरलैपिंग से क्या होता है कि इनके درمیان दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं यहां पर जो शेप होती है वो लीनियर शेप होती है और इसमें जो एंगल होता है वो बेसिकली 120 डिग्री का होता है अच्छा और लास्ट हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है वो है एथाइन एथाइन में भी अगेन कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉनिक कंटिफिकेशन सिमिलर वही है बट अगर हम इथाइन के स्ट्रक्चर को देखें तो इथाइन के केस में क्या होता है कि दो पाई बॉन्ड होते हैं अब जब दो पाई बॉन्ड हैं तो इसका मतलब यह है कि कार्बन जो होगा उसके सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं होंगे जस्ट 2s और 2p x हाइब्रिडाइजेशन में शामिल होगा दो एस पी वन एस पी वन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जबकि टू पी वाई और टू पी जी ऑर्बिटल जो होंगे वो बॉन्डिंग में यानी हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं होंगे तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस कार्बन के अंदर सिर्फ दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक एस हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के एस पी हाइब्रिटल एस हाइब्रिड ऑर्बिटल से अगर करेगा तो फर्स्ट सिगमा बॉन्ड बनेगा सेकेंड एस हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से अगर करेगा तो सेकेंड सिगमा बॉन्ड बनेगा अब दोनों कार्बन के पास टू पी वाई और टू पी जी आर्बिटल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इनका टू पी वाई टू पी वाई आर्बिटल अगर लैब करेगा सिमिलरली टू पी जी और टू पी जी हाइब्रिड जो टू पी जी ऑर्बिटल होंगे दोनों कार्बन के वो अवर लैब करेंगे रिजल्ट यहां पे क्या होगा दो बॉन्ड बनेंगे तो फिर हम कहते हैं कि इथाइन के अंदर क्या होता है कि दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और दो बॉन्ड बनता है तो ये सारी आपके पास फॉर्मेशन है बॉन्ड फॉर्मेशन होमवर्क एज अ होमवर्क आपने क्या करना है कि ये तमाम एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए आपने क्वेश्चन को एज़ इट इज़ लिखना है अपनी शीट्स के ऊपर इसके अलावा आपने इन तमाम टाइप्स को एस पी थ्री एस पी टू और एस पी इन टाइप्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और फिर इससे रिलेटेड ये जो एग्ज़ाम्पल हैं एज़ इट इज़ इनको जो है वो आपने तैयार करना है ओके क्लास अल्लाह हाफिज़